अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान नज़र और आप देख रहे हैं टॉप वीडियो चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ईमो की सेटिंग्स के बारे में तफसीली जानेंगे। जिन फ्रेंड्स को ईमो के सेटिंग्स के बारे में मालूम नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होगी। तो आज हम इसकी प्रॉपर पूरी सेटिंग्स के बारे में देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जाएंगे ईमो के अंदर। ईमो में जाने के बाद नीचे इसके लेफ्ट साइड पे तीन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, आप जैसे इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो पेज आ रहा है, इसमें आपका ऊपर टॉप चेंज योर स्टेटस है, सेटिंग्स है, क्रिएट चैट ग्रुप है, लाइव है, शेयर ईमो है, ऐड फ्रेंड्स है, प्रीमियर का वो उसमें है। हम जस्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी सेटिंग्स वगैरह हैं सारी इस सेटिंग के अंदर हैं। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद जो फ्रेंड्स उसमें आता है, हमारे पास एल्बम आता है। अगर आप एल्बम में यहाँ पर क्लिक करें, ऐड के अंदर यहाँ पर आप एल्बम को एक नाम दे सकते हैं, जो कि आपने तस्वीरें वगैरह अपने कैमरे से खींची हुई हैं, सेव करी हुई हैं। हम उसको सिलेक्ट करने के लिए नीचे सेलेक्ट का एक आपको नज़र आ रहा है, जिस पर क्लिक करें। ऐड स्टोरी के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपकी कैमरा स्टोरेज को लेगी, जिसमें से आप तस्वीरें वगैरह अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करके आप ईमो के फ्रंट उसमें आप एल्बम अपनी क्रिएट करके लगा सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह को नज़र आएंगी और आप उनको साथ शेयर भी कर सकते हैं। इससे नीचे आ जाए तो यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है। यूज़र नेम का फ़ायदा यह है कि अगर आप किसी फ्रेंड्स को ऐड करते हैं और आप उसको जो है अपना नंबर नहीं देना चाहते, तो आप यहाँ से यूज़र नेम एक यूनिक यूज़र नेम आप क्रिएट कर सकते हैं, जो आप उस यूज़र को देंगे। इसके लिए आपको किसी अपना नंबर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप वो यूनिक नेम क्रिएट कर सकते हैं। इसके नीचे जो फॉर्मली पिक्चर चेंज करने का, आप टेक पिक्चर कैमरे से भी ले सकते हैं, जो आपके स्टोरेज में अगर है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके नीचे नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन टून है, वाइब्रेटर है, लाइट है, साउंड है, पॉपअप्स है, ग्रुप नोटिफिकेशन। इसके नीचे हम आते रहते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। अब इसमें आप अगर आप शेयरिंग करना चाहते हैं अपनी तस्वीरें वगैरह ये वो, तो यहाँ से आप जो सेलेक्ट कर सकते हैं। खाली आप फ्रेंड्स को करना, तो नीचे वाले फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आपके फ्रेंड के फ्रेंड जो होंगे, आप उनके साथ तस्वीरें शेयर करना चाहते हैं, नीचे वाले में भी चेक बॉक्स लगा दें। यहाँ आप अपनी रिंग ट्यून वगैरह लगा सकते हैं ईमो पे, वाइब्रेटर ऑन है इसका। यहाँ ऐसे नीचे आ जाता है, ऐड कैमरा टू होम स्क्रीन आ रहा है, यहाँ पे आप जो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक शॉर्टकट जो है वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, जिससे ये होगा कि आपका डायरेक्ट कैमरे में आप जा सकते हैं ईमो के। इससे ये होगा, आपको कैमरे की सेटिंग कैमरे के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहाँ से डेस्कटॉप से ही ईमो के कैमरे के अंदर आ जाएंगे। आप वहाँ पर आप तस्वीरें वगैरह खींच सकते हैं। हम दोबारा जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, क्योंकि हमने सेटिंग्स के अंदर सब कुछ है हमारा। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ क्लोज चैट है, अगर आप चैट अपनी बंद करना चाहते हैं फिल वक्त, तो आप यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे और आपकी चैट जो है क्लोज हो जाएगी। वो आपके फ्रेंड्स को भी नज़र आएगी कि बंदा चैट पे नहीं है। इसके नीचे आते हैं तो प्राइवेसी है। प्राइवेसी के अंदर जाने के बाद यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन आ रहे हैं, लास्ट स्क्रीन है, प्रोफाइल फ़ोटो है, रीड रिस्ट्रिक्ट है, इसके नीचे एक और है ऑप्शन, थोड़ा टाइम ले रहा है ये। इसमें दो तीन सेटिंग ऐसी हैं जो आपके बहुत काम की हैं, आपके बहुत काम आ सकती हैं, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ लास्ट स्क्रीन का ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ये ना जान सके कि आप किस टाइम लॉगिन हुए थे, तो आप यहाँ से नोबडी पे क्लिक कर दें, तो
तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप लास्ट किस टाइम लगन हुए थे। प्रोफाइल फ़ोटो अगर आप सबको दिखाना चाहते हैं तो एवरीवन पे रखें, अपने कॉन्टैक्ट नंबर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते तो नोबडी पे कर दें। ये बहुत अच्छी सेटिंग्स हैं जिसमें आप अपनी पर्सनल वो रख सकते हैं। यहाँ जब आते हैं तो हम यहाँ पे आपके अगर किसी फ्रेंड ने मैसेज किया है और आपने वो रीड कर लिया है और अब आपके फ्रेंड्स को पता चल जाएगा कि आपने मैसेज रीड कर लिया है, यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे आप नोबडी कर सकते हैं जिससे उसको पता नहीं चलेगा कि मैसेज आपने रीड किया है या नहीं किया। यहाँ पे चैट टाइम आप शो करवाना चाहते हैं तो वो शो भी कर सकते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर कि जिससे पता नहीं चलेगा कि आपने कोई मैसेज टाइमिंग वगैरह आप सब इसमें ख़त्म कर सकते हैं। प्राइवेसी के बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन है। स्टोरेज के ऑप्शन में यहाँ पे दे रहा है स्टोर फोटोज़ स्टोर वीडियोस। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप इस पर चेकबॉक्स पे साइन कर दें, जिससे ये होगा कि आपके फ़ोटो स्टोरेज वगैरह ये विदाउट आपकी परमिशन जो है सेव नहीं करेगा। अदरवाइज़ कोई भी फ्रेंड आपके फ़ोटो या वीडियो शेयर करता है तो वो स्टोरेज के अंदर सेव हो जाती है। अनचेक बॉक्स कर दें आप इसको, वो वीडियो और फोटोज़ आपके स्टोरेज में सेव नहीं होगी। इसके बाद नीचे है डिलीट चैट हिस्ट्री, तो आप यहाँ से अपनी तमाम चैट हिस्ट्री जो है डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है इमो अकाउंट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग के अंदर आएंगे तो हम यहाँ से अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपना ईमो का अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ सबसे नीचे आ जाए तो यहाँ अगर आपने कोई नाम अपने अकाउंट को दिया था तो यहाँ से आप उसको दोबारा रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं इसके, अपने नाम चेंज करने की। इसके बाद डाउनलोडिंग फ़ोटो वीडियो का ऑप्शन सेम वही है। इसके बाद रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, किसी फ्रेंड्स को आप जिससे आप नहीं चाहते कि वो आपके पास रहे तो आप यहाँ से उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये चंद सेटिंग्स ही ईमो के बारे में जो बिल्कुल ही सिंपल सी हैं। आप जस्ट सेकंड सेटिंग के अंदर जाएंगे और आपको सारी सेटिंग ये शो हो जाएंगी। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।